शहर बसों कल्याण में मुसलसल बारिश की वजह से जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, इनमें 21 जुलाई एमएलए चन्नू सलगर समेत रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सीएमसी ऑफिसर्स ने घर घर पहुंचकर सरकार से मिलने वाला अमाउंट चेक की सूरत में तकसीम किया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के कई वर्कर्स कसीर तादाद में मौजूद रहे। आपके सपने हमारे अपने। न्यू उषा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न मेंस पार्लर, नॉलेज पार्क, द क्रिएटिव स्कूल, श्री सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हरिय शरण चेतन पीयू साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज। आज मैं सुबह से कम 15 गांव हो गए जो गरीब किसान लोगों का जो गए 15 दिनों से बहुत बारिश हो रहा है लगातार, उसकी वजह से जो गरीबों का घर गिर गया है, घर पड़ा है, उनके लिए चुप मदद करना बोल के सरकार सभी को 10,000 रुपए देना बोल के तय किए हैं। और उसी के साथ ये होने के बाद फिर हमारे इंजीनियर जाके सर्वे करेंगे, जो ज़्यादा अगर उनको लॉस हो गए तो 5 लाख तक देने का सुविधा है, और जो 50-70% उनका घर अगर गिरे तो उनको 3 लाख रुपए देने का सुविधा है, और थोड़ा अगर गिरे तो उनको 50,000 रुपए देने का, ऐसा 3 कैटेगरी करे हैं। इसलिए मैंने खुद गांव-गांव फिर के अब तक कम से कम 60 गांव तो मैंने फिर के खुद घर घर जाके चेक देना बोल के हमारा माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है, और पार्टी से हमारे नलिन कुमार कटील जी साहब का भी आदेश है। उस आदेश की वजह से मैं खुद घर तक जाके चेक दे के कहीं बहुत कम से कम 60-70 गांव तो मैंने अब तक फिरा हूँ। बहुत लोग परेशान में हैं, कहीं जगह मैं खुद से भी 5,000, 10,000, 2,000, 2,500 भी मैं खुद से भी मैं हेल्प कर रहा हूँ वहाँ की परिस्थिति देख के। इसलिए ये जो काम मैं ये कर रहा हूँ, हमारा ये एक पूरे क्रेडिट हमारा माननीय मुख्यमंत्री बसराज बोम्मई को मैं पूरे बसवा कल्याण की महाजनता की ओर से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।